Davvero super. Super, yes. सो वेलकम बैक अगेन टू द चैनल इट ट्रेवल फील्स में अंडमान एंड निकोबार सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, इस वक्त अभी हम बाटांग के लिए निकले हैं। 3:30 पे हम अपने रूम से निकल गए थे और अभी जो आप देख रहे हैं पीछे हमारी ये गाड़ी है, हम लोग इसी में आए हैं। तो अभी यहाँ आके फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। तो ये हो जाने के बाद हम सीधा यहाँ से निकलेंगे अभी बाटांग के लिए। तो पोर्ट ब्लेयर से जो उसका अप्रॉक्स 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटमेंट है वहाँ जाने के लिए बाटांग के लिए। तो आप लोग साथ में बने रहिए, आपको भी साथ में लेके जा रहे हैं। इट्स फैंटास्टिक यार, वाओ, नेचर देखिए दोस्तों आप। नो डाउट यहाँ अंडमान में आके आपको 100% प्योर ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम जिरकातांग पहुँचे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:20। तो जो यहाँ से जो कन्वे फर्स्ट निकलेगा वो 6:00 पे निकलेगा। तो अभी हमारे को यहाँ अप्रॉक्स हाफ एन आवर वेट करना है। जो भी स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह अगर आपने कुछ पीना है तो पी लीजिए। हाफ एन आवर के बाद यहाँ से फर्स्ट कन्वे निकलने वाला है और आप भी चलिए साथ में हमारे बाटांग आइलैंड। तो दोस्तों देखिए, पूरी गाड़ियां लाइन से लगी हुई है, ये सभी बाटांग और से आगे जाने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही 6 बजेगा तो हमारा जो पहला कन्वे है, फर्स्ट कन्वे, वो निकलेगा। साथ में पुलिस की गाड़ियां भी रहेगी। यहां पे आपका डॉक्यूमेंटेशन जो भी वेरिफिकेशन होना है वो करवाने के बाद दिन में अप्रॉक्स 4 कन्वे निकलता है। फर्स्ट 6 बजे का है, सेकेंड 9:00, देन आफ्टर 12 एंड 3 बजे। अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको अंदर जाने का परमिशन तो नहीं मिलेगी। अगर आप हाई अथॉरिटी से अगर आप परमिशन लेके आते हो तो आप जा सकते हो। यहाँ से आगे आपका ट्रैवल एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो नो फोटोग्राफी और नो वीडियोग्राफी अलाउ, कोई भी पिक्चर्स और वीडियोग्राफी लेने के लिए सख्त यहाँ पे मना है। और अभी हमारे को अप्रॉक्स आधा घंटा और वेट करना है और 6 बजे जो है फर्स्ट कन्वे निकलेगा यहाँ से बाटांग के लिए।
तो हमारे पीछे चेक पोस्ट है दोस्तों। इस चेक पोस्ट के बाद ये ट्रैवल एरिया स्टार्ट हो जाता है। ऊपर में एक छोटा सा टेंपल है तो हम लोग टेंपल की तरफ थोड़ा निकल लेते हैं, ऐसे भी यहाँ वेट करना है पड़ेगा तो थोड़ा टेंपल जाके आते हैं। आगे थोड़ा सा तो फ्रेंड्स ये यहाँ हम टेंपल की तरफ गए तो टेंपल था। अब थोड़ा सोच रहे कि कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। यहाँ से सीधा 2 घंटे का रन है अब ट्रैवल एरिया में। अप्रॉक्स 50 किलोमीटर हमारे को रन करना है ट्रैवल एरिया। तो उस ट्रैवल एरिया में कोई पिक्चर्स नहीं है और कोई वीडियो नहीं, वीडियोग्राफी नहीं है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इस 50 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए आपको काफ़ी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी गाड़ी आपका ओवरटेक नहीं करनी है। सेकंड, आपका हॉर्न आपको नहीं बजाना है। अगर आप गलती से किसी जारवा को अगर देख भी लेते हो तो आपको नॉर्मल बिहेव करके वहाँ से निकलना है। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पहुँच कर पता लग जाएगा। इस वक्त हम मिडिल अंडमान पहुँचे हैं और अभी जो गवर्नमेंट फेरी है ये, इसमें अभी हम बैठे हुए हैं। सो दोस्तों इस वक्त हम बाटांग में पहुंच चुके हैं और अब जो है नेक्स्ट हमें एक स्मॉल बोट है 10 सीटर, वो बुकिंग हो गई है, 800 रुपीज़ पर पर्सन है। तो वो बोट से हमें लाइमस्टोन केव के पास जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ तक हमें ड्रॉप करेगी। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर, 1 to 1.5 किलोमीटर हमें ट्रैक करके लाइमस्टोन केव तक पहुँचना है। तो आप लोग साथ में रहिए, आपको लाइमस्टोन केव तक लेके जाऊँगा। और बाटांग देखिए आप मेरे पीछे, हल्का सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। Now we are ready to
सो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से 1.2 किलोमीटर ट्रैक करते हुए पहुँचना है। ये हॉलीवुड मूवीज़ में हमने ऐसा सीन देखा है, आज तो रियल लाइफ में देखना पड़ा है। वाह यार, इट्स अमेजिंग। कैसा लगा देखने देख कर? ये आराम से देख के आना चाहिए। हाय ब्रो, ओके फाइन। Bro, hi. How's your experience? It was amazing. The way is superb. Superb, yes, yes. I just seeing in Hollywood movies, this type of scenery. Wow, in amazing. Anaconda. Anaconda. Yes, yes, yes. I made a scar by saying that only. Okay. Now, Vijay. She believed that here is Anaconda. Okay. यहाँ पे भी लोग रहते हैं, आठ परिवार ही यहाँ पे, बिजली वगैरह कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ आठ परिवार का एक गांव है। और इस गांव का नाम क्या है? नया डेरा। बोलिए, नया डेरा। ओके, यहाँ पे बिजली वगैरह कुछ नहीं, कुछ अच्छा। और इनका भी नाम हो, ठीक है, जो लकड़ी का नाम होते है ना। हाँ हाँ। तो जो जारवा जैसे हम बोलते है ना, उसका एक तो ये लोग जारवा नहीं है ना, ये लोकल है। हमारे ये लोकल्स है। ओके, कभी कभार ही आते हैं। आगे पे क्या दुकान रखी है? ठीक है, ओके। हाँ, इन्होंने बना के रखी है। ओके, ये पैडी पैड क्या, ये पैडी है ना।
ये जो रास्ता है वो जो अभी गांव बताया आठ परिवार का जो एक गांव है उसी को रास्ता जाता है। वहाँ क्या बताया, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है, सिर्फ वो सिर्फ सोलर भी पता नहीं यूज़ करते कि नहीं करते, बट खेती बाड़ी करके ही वो अपना जो जीवन का जीवन बिता रहे हैं। जो लाइमस्टोन केव्स है वो हाफ किलोमीटर बैलेंस बची हुई है। आगे में देखिए स्टॉल आ गया है, ये लोकल, हाँ 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 उन्हीं का है क्या, यहाँ से केव्स के नजदीक है ना, यहाँ से 2 मिनट चलेगा। ओके ओके सभी का आ जाने दीजिए, फिर वेट करो। ओके ओके कर लीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी, बट यहाँ से 2 मिनट चलेंगे ना। ओके ओके वेट 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 1 मिनट सर, यू वांट टू टेक नींबू पानी पी लो भाई, कितना 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आया है, नींबू पानी पी लेते हैं, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट करना है आगे लंच टाइम केव के लिए, तो चलेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। डूबा हुआ था, जब पानी कम हो गया ना ऊपर आ गया, ठीक है, बहुत साल पहले, बहुत साल, अंदर क्या कोई भी स्टोन को टच नहीं करना, क्या क्या अंदर अंदर पे कोई भी स्टोन को टच नहीं करना, सर टच करने से डेड हो जाता है। अब जैसा इसके अंदर का पूरा अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, अब जैसा इमेजिन करेंगे सोचेंगे वैसा लगेगा। ओके पूरा नेचुरल की हुई, ठीक है, कोई बनाया हुआ नहीं, अपने आप ही बना हुआ है। बाहर जितना भी देख कर आए ना वो भी क्या पहले ऐसे ही था, व्हाइट था, फिर उस पर क्या डायरेक्ट चलना है, ड्रेन वाटर वगैरह पड़ते हैं ना, खराब हो गए, ठीक है, डेड हो गए, और वहाँ पे ओपन है ना सर, यहाँ पूरा बंद है, 40 मीटर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, 40 मीटर एरिया वो पूरा लाइन लाइन।
और क्या सर इसके अंदर पे क्या अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है? ठीक है, आप जैसे इमेजिन करेंगे सोचेंगे वैसा लगेगा। ये साइड का दिख रहा है सर, जैसे स्पाइनल कोर्ट होता है ना, जैसे रेड़ की जो हड्डी होती है टाइप का बना हुआ है। ठीक है, कोई बनाया हुआ नहीं है, अपने आप ही बना हुआ है, पूरा नेचुरल है, ये पूरा एक्टिव है मैम, एक्टिव है। और इसके ऊपर बहुत सारे ट्री है सर, उसके रूट से जो पानी आता है ना, ये पानी से ही बनता है। ठीक है, हाँ एक्टिव है। और यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे सी के अंदर पे जेलीफिश वगैरह होते हैं, जेलीफिश उस टाइप का लगे। और स्टोन वगैरह टच नहीं करने से, टच करने से डेड हो जाते हैं। ठीक है, ब्लैक हो जाए, अभी टच करेंगे अभी ब्लैक हो जाए, दिन बाद खराब हो जाते। हमारा बॉडी का हीट होता है ना, उसके कारण खराब हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए सर, और यहाँ का दिख रहा है सर, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा ब्लैक हो गया ना, जब काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होता है ना, टच कर देते हैं, टच करने का खराब हो जाता है। थोड़ा लाइट ऊपर मारो, सर आप लोग भी साथ पे आ जाए सर। अरे यहाँ देख लीजिए सर, यहाँ पे आई सात पे आ जाइए सर। अरे ये वाला स्टोन दिख रहा है ना सर, यहाँ पे है सामने पे, ये दो तरह का स्टोन है। ठीक है, स्टैलेक्टाइट स्टैलेक्माइट, दोनों का फॉर्मेशन करता है। थोड़ा लाइट मार दीजिए, ये क्या पूरा बढ़ के नीचे जा रहा है। ठीक है, और इससे जो पानी नीचे गिरता है ना, वो क्या नीचे से ऊपर को आ रहा है। बीच में देखिए एक गैप होगा, ठीक है, कुछ साल बाद ये ज्वाइन हो जाएगा। इसके ऊपर ट्री है ना, उसके रूट से ही पानी आता है, ये पानी से ही बनते हैं। यहाँ ऊपर भी देख लीजिए, दिख रहा है ना स्टोन में पूरा पानी आ रहा है, ये पानी से ही बनता है। ठीक है, टच मत करिए। ठीक है, मेरा नहीं दूसरा। अरे ऊपर देख लीजिए सर, जैसा ठीक है ना, कोरल होते हैं ना, कोरल उस टाइप का लगेगी। ठीक है, ऊपर सर यहाँ पे आ जाइए। अरे दिख रहा है ना सर, तीन होल लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए ऊपर देखिए, दो होल दिख रहा है आपको केव के अंदर में, यही दो होल है। ठीक है, अंदर सनलाइट ऑक्सीजन यही साथ लेने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ का स्टोन पूरा दिख रहा है, पूरा ब्लैक हो गया, सनलाइट रेन वाटर वगैरह पड़ता है ना, खराब हो जाता है। ट्री का रूट निकला हुआ है, ठीक है, स्टोन के अंदर से आया हुआ, उसके ऊपर काफी सारे ट्री है ना, दारुण पाथर था देखो। चलिए आगे तो फिर हम दो मिनट पहले देखेंगे, चलता है चलता है। गोल्डन गोल्डन नीचे देख के, हेलो बाहर पे ब्लैक देख के, अंदर व्हाइट देखे ना, व्हाइट रहता है, गोल्डन दिख रहा है ना, ये व्हाइट पे लगी है, ये गोल्डन है। ये क्या है? गोल्डन स्टोन, गोल्डन स्टोन सर, यहाँ पे आ जाए सर, लास्ट। और ये दिख रहा है ना सर, ये ओरिजिनल कलर है, ठीक है, लाइम स्टोन का मिल्की व्हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको दिख रहे ना, ये ठीक है, ओरिजिनल कलर लाइम स्टोन का। नीचे भी देख लीजिए ना, ऐसे
अरे लास्ट है सर, ये क्या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, क्लोज हो रहा है, ठीक है, बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। पहले के अंदर भी जाते थे और यहाँ के स्टोन दिख रहे थे सर, जब 2004 पे जब भूकंप हुआ था ना, तो यहाँ के स्टोन का थोड़ा डैमेज हो गया, फिर के अंदर नहीं जाते, यही लास्ट। और अंदर का 40 मीटर स्टोन टच नहीं करना है, व्हाइट वाले। ये गुरु मत तो छेड़ बोले, जाओ जाओ नहीं जाओ जाच से चलो किछु करते हो चलो। मेरे पीछे आपने देखा 40 मीटर्स बिल्कुल हम अंदर चले गए थे, और लाइमस्टोन केव्स बहुत बढ़िया है। यहाँ कुछ एक्टिव स्टोन्स भी है जो कि हमारे को गाइड ने बताया, और कुछ जो है कुछ नीचे से ग्रो हो रहे हैं, नहीं कुछ जो है वो डेड हो चुके हैं, बट जो यहाँ तक जो अप्रोच है, आप जहाँ यहाँ तक आप अप्रोच करोगे लाइमस्टोन केव के लिए, वो तो माइंड ब्लोइंग अप्रोच है, आपने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा। मैं अपनी बात करूं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अप्रोच अभी तक देखी नहीं है। तो दोस्तों कल हम लोग शाम के टाइम प्लान किया बाटांग आने का, नहीं तो पहले मैं सोच रहा था कि बाटांग को स्किप करते हैं, चिड़िया टापू जाएंगे। अब हम आ चुके हैं, वापस जा रहे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इज अवर फ्रेंड मित्रन, एंड वी यस्टरडे वी हैव प्लान्ड टू गो टू बाटांग, दैट्स व्हाई वी आर इन बाटांग, अदरवाइज वी एस्केप्ड बाटांग। और सुबह हम 3:30 पे निकले हैं, और सुपर एक्सपीरियंस। हाउज योर एक्सपीरियंस ब्रो? दैट वाज ऑसम, ऑसम। द रूट व्हिच इज वेरी सुपर, इट लुक्स लाइक एनाकोंडा फिल्म। यस यस यस, दैट इवन आई टू, आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू दिस एरिया एट ऑल, एक्चुअली आई डोंट नो द प्लेस एट ऑल। ब्रो इंट्रोड्यूस मी दिस प्लेस, वेरी थैंकफुल टू हिम। ओके ओके ओके, थैंक्स ब्रो। या श्योर श्योर। ओके, और फ्रेंड्स, I will give my bro YouTube channel, so please subscribe. Yeah, and sure. फ्रेंड्स, पीछे देखिए कितना बढ़िया नजर आ रहा है, इनका रूट्स देखिए, ये मुझे लग रहा है मैंग्रोव्स के पेड़ है पूरे, तो
बहुत ही बढ़िया है यार, ऑसम। यहाँ से मन नहीं कर रहा जाने का यार, बहुत ही एकदम अल्टीमेट यार। सुपर तो दोस्तों, मेरा ये अंडमान सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी और एपिसोड आना बाकी हैं, तो जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, अगर आपका अंडमान आने का प्लान बनता है तो आप इस जगह पर ज़रूर आएँ, इसे स्किप ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय। अभी जो है हम लोग निकल गए बाहर।